संसद के बजट सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार 7 फरवरी को राज्यसभा में जवाब दिया है। उन्होंने पहले तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का विशेष तौर पर आभार जताया, उसके बाद कांग्रेस पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कांग्रेस की सरकारों पर देश की भूमि को दूसरे देशों को देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही लोकतंत्र का गला घोटा है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर भी तंज कसा और यह भी दावा किया कि इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 40 से अधिक सीटें नहीं आएंगी। कांग्रेस पर अपने हमले तेज करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जिस कांग्रेस ने सत्ता के लालच में लोकतंत्र का गला घोट दिया है, जिसने लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आई सरकारों को बर्खास्त कर दिया था, जिस कांग्रेस ने देश की संविधान और लोकतंत्र की मर्यादा को जेल की सलाखों में बंद कर दिया था, जिसने अखबारों पर ताला लगाने की कोशिश की थी, जिस कांग्रेस को देश को तोड़ने के नैरेटिव गढ़ने का शौक पैदा हुआ था, अब उत्तर और दक्षिण को तोड़ने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, ये कांग्रेस हमें लोकतंत्र पर प्रवचन दे रही है, आप भाषा के नाम पर देश को बांटने की कोशिश कर रही है, जिसने नॉर्थ ईस्ट को हमला हिंसा में ढकेल दिया, जिसने नक्सलवाद के लिए देश के लिए चुनौती बनाकर छोड़ दिया, देश की जमीन दुश्मनों के हवाले कर दिया, देश की सेना का आधुनिकीकरण रोक दिया, आज हमें राष्ट्रीय सुरक्षा पर भाषण दे रहे हैं, जिसने आजादी के बाद से ही कंफ्यूज रही। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस 10 साल में 11वें नंबर पर देश को लेकर आ पाई, हम 10 साल में 5 नंबर लेकर आए। ये कांग्रेस हमें आर्थिक नीतियों पर भाषण सुना रही है, जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को कभी आरक्षण नहीं दिया, जिसने बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दिया, जिसने देश की सड़कों गली चौराहों पर अपने ही परिवार के नामों पर रख दिए, वो हमें सामाजिक न्याय पर भाषण दे रहे हैं। जिस कांग्रेस ने अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है, अपनी नीति की कोई गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं।